अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सबवे स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविचेस। तो ये मैं आपको स्क्रैच से रेसिपी बताऊंगा, इसकी सारी सॉसेस भी हम घर पे ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन को मैरिनेट कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो बोनलेस चिकन, उसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया था पतला पतला। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला। हम टिक्का फ्लेवर की बना रहे हैं तो टिक्का मसाला तो जाएगा। और आधा टीस्पून नमक, नमक आपने कम ही डालना है। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस, लेमन जूस। नींबू का रस डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल, ऑयल। तो 2 टेबल स्पून तेल भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे 30 मिनट के लिए। ये इसकी मैरिनेशन टाइम है, ये इसके बाद पकाने के लिए शुरू करेंगे हम। तो जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, हम यहाँ पर सॉस रेडी कर लेते हैं अपनी। 1/3 कप मायोनीज चाहिए, हम ये योगर्ट मेयो सॉस बना रहे हैं। उसके लिए मैं 1/3 कप मायोनीज, 1/3 कप दही, और इसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए हमारी योगर्ट मेयो सॉस रेडी है, बहुत आसान थी ये। अब हम दूसरी सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप मायोनीज, 1/2 कप मायोनीज। के बाद हम इसके अंदर डालेंगे केचप, केचप हम इसके अंदर डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पून। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर अपने लोव ब्रेड लेनी है हमें यहाँ पर, ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। अब हम इसको सेंटर में से कट कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से कट करना है आपने। तो हमने इसको सेंटर में से कट कर लिया है। अब हम इसको ग्रिल उस पर रख देंगे, ओवन की ग्रिल पैन जो होती है। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस डालना शुरू करेंगे। एक ब्रेड के ऊपर 1 चीज़ स्लाइस डालना है हमें यहाँ पर। जैसे हमने तीनों ब्रेड पर चीज़ स्लाइसेस लगा दिए हैं, अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर 5 मिनट के लिए 160 डिग्री पर इसको किया था। जब तक वो ओवन में हो रहे हैं, हम यहाँ पर अपनी चिकन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे अपनी मैरिनेट हुई हुई चिकन। अब हम यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। हाई मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है, और इस चमचा साथ में चलाते रहना है ताकि ये अच्छे से गल जाए चिकन अंदर से। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं हमें चिकन को पतवा पकाते हुए, ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। तो हमने चिकन को निकाल लिया है, चिकन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारे यहाँ पर इतने में चीज़ भी मेल्ट हो गई थी बंस के साथ, और बंस भी हल्के से टोस्ट हो चुके थे, ये रेडी हो गए थे। अब हम सैंडविचेस बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ली है, इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे अपनी चिकन जो हमने मैं अभी पकाई थी। हमने फिल कर दिया चिकन इसके अंदर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चॉप्ड हुई भी बंद गोभी। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे छोटे पीसेस में कटे हुए खीरे। खीरे डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे शिमला मिर्च, ये भी मैंने चॉप कर लिया था जूलियंस में इसको। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, प्याज हमने थोड़ी सी ही डालनी है। अच्छे से हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपनी चिली मेयो सॉस जो हमने दूसरी वाली सॉस रेडी की थी वो। तो हमने ये वाली सॉस डाल दी है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे योगर्ट मेयो सॉस, इसकी भी रेसिपी आपको मैंने बताई है अभी।
इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटो केचप, टोमेटो केचप डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी मेयोनीज डालेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस डाल देंगे, हम इसको बंद कर देंगे अच्छे से। तो देखिए अच्छे से बंद हो चुका है, ऐसे ही हमने दूसरा भी रेडी कर लिया, ऐसे ही आप सारे रेडी कर लिएगा। फिर मैंने जितनी क्वांटिटीज़ ली थी उसमें मेरे 6 सैंडविचेस बन गए थे, ये रेडी हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और हमारी वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।